नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube फैमिली मैजिकल एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला, जिसमें हम लोग स्वर और व्यंजन के पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिया है जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारी चलेंगी वर्ण तालिका, वर्ण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पूरी एक टेबल आपको मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। और देन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका ये होगा स्वरों का वर्गीकरण। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि स्वरों का वर्गीकरण और उनका उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, ये अक्सर आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है, तो इसको स्टार बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। देन हम लोग कुछ हिंदी वर्णमाला पे काम करेंगे, उस पर पुनर्विलोकन करेंगे। और ये फिर सेकंड आपका इंपॉर्टेंट आता है, व्यंजनों का वर्गीकरण और उसका उच्चारण स्थान, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट में कुछ अनुप्रेक्षा के साथ हम लोग इसको समाप्ति करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी दोस्तों आज के इस चैप्टर में, तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके नॉलेज में कोई भी ऐसा एस्पिरेंट, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, तो प्लीज उसको मेरे एक और कोर्स के बारे में बताइए जो कि अन अकेडमी पे आपको देखने को मिलेगा। वहां पे आप मुझे कुमार केतन के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहां पे दोस्तों मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, और फिजिक्स पे मैंने अभी तक बहुत सारे लेसन वहां पे बनाए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं। और सारी लिंक्स जो है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ सारी वीडियोस देखकर वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाए हैं, IIT JEE के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस लगवाए हैं, वो सब आप देख सकते हैं, ओके। और दोस्तों हर संडे को मैं टेस्ट लेता हूँ, तो उन टेस्ट की जानकारी के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट के साथ बने रहा कीजिए, हमेशा डेली देखिए कि कौन सा टेस्ट की जानकारी दी गई है। हर संडे टेस्ट होगा, इसके थ्रू आप या तो कम्युनिटी पोस्ट पे देख लीजिए, या फिर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली टेलीग्राम एंड फेसबुक, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो इस पे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ पे आपको पेपर, PDF सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आप ये सारे सोशल मीडिया के थ्रू मुझे जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि करके। तो पहले वर्णमाला को अगर देखा जाए, तो एक अगर टेबल के फॉर्म में वर्णमाला देखा जाए तो वर्णमाला क्या है, देखिए पहले मैंने इस पे वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने स्वर और व्यंजन अगर आपने देखा होगा तो मैंने अलग अलग बहुत ही अच्छे से डिटेल में एनालिसिस कराया था उस पे। देन आगे अगर हम लोग इसको एक साथ देखते हैं, तो स्वर और व्यंजन तालिका में आपको यही दो चीजें, तो स्वर को बांटा गया है अलग और व्यंजन को अलग बांटा गया। तो स्वर को बांटा गया है दो भागों में, ठीक है, एक का नाम है ह्रस्व और एक का नाम है दीर्घ, ठीक। ह्रस्व में आपके चार स्वर आते हैं और दीर्घ में आते हैं सात, तो ये हो गए टोटल आपके 11। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक, ऐसे याद रखो। ह्रस्व स्वर कौन है, ह्रस्व स्वर देखिए आप ऐसे याद करोगे, अ छोटी ई छोटा उ और री, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए, तो अ और आपको देखो अ आ होता है, तो आ आपका चला जाएगा दीर्घ में, क्यों, क्योंकि ये आपका अ से जितना टाइम आपका और लगे वही आ होगा, ठीक है। आ बोलने में अ का डबल टाइम लगेगा, ठीक है, दोगुना समय। तो अ से आ, अब छोटी ई और छोटा उ इसमें रहेंगे, बड़ी ई और बड़ा उ चले जाएंगे दीर्घ में। तो इस हिसाब से इसमें चार आते हैं, ठीक है, आप री ले लो, और इसमें आपके आ बड़ी ई बड़ा उ ए ऐ ओ औ इसमें सात आते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये अन और अह कहाँ गया, ठीक है, तो अन और अह दोस्तों स्वर नहीं होते, ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, तो ये स्वरों में नहीं जिनको गिना जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको 11 होते हैं आपके स्वर। व्यंजन में बात करें तो व्यंजन को दोस्तों पांच भागों में बांटा गया है, जी हाँ, पांच भागों में व्यंजन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है आपका स्पर्श व्यंजन, जो कि क वर्ग से लेके प वर्ग तक है। अब क वर्ग का क्या मतलब है, क वर्ग का मतलब होता है दोस्तों क ख ग घ अंग, ठीक है, मतलब एक लाइन में जो आ रहे ना वो क लाएंगे आपके वर्ग के हिसाब से, क वर्ग, क्योंकि इसका पहला क्या है वर्ण क। ऐसे च वर्ग क्या कहलाएगा, च छ ज झ इ। ट वर्ग क्या होगा, ट ठ ड ढ ण। फिर त वर्ग आएगा, त थ द ध न। फिर प वर्ग, प फ ब भ म। तो क से लेके म तक आपका चलेगा जो, वो पूरा आता है स्पर्श में। साथ ही साथ ड और ढ ये भी दो आपके जो आते हैं, ये भी आपके आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन में। तो इस हिसाब से 25 25 कैसे, देखो क के पांच, च के पांच, ये सब वर्ग बता रहा हूँ, क ख ग ङ च छ झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ ध ध न प फ ब म, सबके पांच पांच कितने हो गए, 25, और दो एक्स्ट्रा आपके ये हैं, तो 25 2 27 आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ क्या होता है, तो इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ चार आते हैं, य र ल व। तो जैसे ही आपने यहाँ पे म पे खत्म किया, म के बाद क्या आएगा, य र ल व, तो ये य र ल व जो आपके आते हैं वो अंतस्थ में होते हैं, जो कि चार हो गए, ओके। उसके बाद व के बाद क्या आता है, श, तो उष्म व्यंजन आपके जो होते हैं वो श होते हैं, तीनों श,
बड़ा स, सरपुर स और छोटा स और साथ में ह, तो ये आपके कहलाएंगे उष्म व्यंजन। तो ये भी हो गए आपके चार। आगत को रोक देते हैं, अभी संयुक्त पे आते हैं। तो संयुक्त में आपके क्या होंगे, अब देखो क्या मिल जाए आपको, कख गंग चछ ज टठर ण तथ न पफ म, फिर आपके यहाँ चार है यर ल व स स स स ह छत्र ग, यर ल व स स स ह। अब आ जाओ संयुक्त पे छत्र ज्ञ, इसमें एक और होता है दोस्तों स्र। एक्चुअली इसको संयुक्त क्यों बोलते हैं, संयुक्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो छ है, ये छ जो दो वर्णों से मिलकर बना है, पहला तो आपका क और दूसरा आपका छ, ठीक है। ऐसे त्र जो है वो त और र से मिलकर बना हुआ है, तो ऐसी तरीके से इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें हो गए चार। अब आगत है आपके दो, ये बाहर से आए हुए हैं, ये दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं। इनमें क्या होता है, नुक्ता होता है। जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, तो उसमें जैसे कि आपको बोला जाता है, तो ज ने बोल के ज बोलते हैं इसको, फ न बोल के फ बोलते हैं, नुक्ता लगा होता है नीचे। तो ऐसे जो आगत होते हैं ये दो होते हैं। तो इस हिसाब से देखो दोस्तों, तो आपके 27 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4 4 8 2 10 4 14, 27 और 14 कितने होते हैं 41। तो आपके स्वर हो गए 11 और व्यंजन हो गए 41, टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 52, ठीक है। अच्छा, अब जो ज और फ था ये तो मैंने बता दिया, ये विदेशी शब्दों से आए हुए हैं, इसलिए इनको आगत व्यंजन कहा जाता है, ये दूसरी भाषाओं से मिले। और ये जो दो एक्स्ट्रा थे इसमें स्पर्श व्यंजन में, ड और ढ, ये इनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। चलो अगला आते हैं आप, नेक्स्ट अब हम लोग को पढ़ना है दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है और इनका उच्चारण स्थान कहाँ है। देखो स्वरों के वर्गीकरण के बहुत अलग अलग तरीके से, जैसे कि आपके ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ये सब होते हैं ना, तो इनको अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, इनको वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखो अगर वर्णों के नाम दिया जाए, तो वर्णों के नाम रखा है कंठ, कंठ मतलब गला, इसका उच्चारण स्थान कहाँ होगा, ऑफकोर्स गले से। जो स्वर हमारे गले से उच्चारित होते हो, ठीक है, जिनका प्रोनंसिएशन गले से होता हो, उसको हम लोग कहेंगे कंठ, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा आते हैं, तो आपका ह्रस्व स्वर में अ आएगा, दीर्घ स्वर में आ आएगा, ठीक है, मौखिक स्वर या निरानुनासिक स्वर में आपका दोनों आ जाता है, अ और आ दोनों आते हैं। अनुनासिक स्वर में आपका अ पे चंद्र बिंदु और आ पे चंद्र बिंदु, क्योंकि इस पे अनुस्वार लग जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको चार यहाँ पे मिलेंगे। दूसरा आपका वर्ण आएगा तालव्य, तो तालव्य में क्या होता है, तालव्य मतलब तालु, ठीक है, तो तालु से जो बोले जाएंगे, तालु कहाँ होता है, मुंह के भीतर जो मुंह के अंदर छत होती है ना, मतलब ऊपर का भाग, उसका पिछला, उसका पीछे वाला जो एरिया होता है उसको कहते हैं तालु। उसमें कौन कौन से, तो ह्रस्व में क्या आएगा, छोटी ई, छोटी, आपको अभी मैंने बताया ना ह्रस्व में कौन कौन आता है, अ आ ई उ, मतलब छोटी ई, छोटा उ और ई, तो यही इन्हीं में से आएगा। दीर्घ में कौन सा आएगा, बड़ी ई। निरानुसार नासिक और मौखिक में आएगा छोटी ई, और अब ई पर अगर चंद्र बिंदु लगा दो तो ये बन जाएगा अनुनासिक स्वर में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब मूर्धा, मूर्धा क्या होता है कि मुंह के अंदर का जो ऊपर का जो भाग है उसका अगला वाला, आगे वाला जो पोर्शन है उसको मूर्धा कहते हैं, ठीक। इसमें कौन कौन सा आएगा, देखो इसमें दो है, पहला तो आपका ये, पहले तो आप समझ लो सीधा सीधा मूर्धा में री जो आता है वो मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धन्य स्वर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कंठ और तालु दोनों मिला के बोला जाए, मतलब गला और तालु ये दोनों मिला के बोला जाए, उनको कहेंगे कंठ तालव्य। क्या कहेंगे, कंठ तालव्य। इसमें कौन आते हैं, इसमें केवल दीर्घ स्वर आते हैं जो है ए और ए, ठीक। और जो ओंठ और कंठ मिला के बोले जाए, मतलब ओंठ और कंठ एक साथ जिनका प्रयोग हो, कंठोष्ठय, तो कंठोष्ठय में क्या होगा, आपका ओ होगा और अ होगा, ठीक है। तो इसमें केवल दीर्घ स्वर आते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। तो मूर्धा में आपका ह्रस्व स्वर में केवल री आएगा और दीर्घ स्वर में बाकी सारे आएंगे, जिसमें से ए है आपके कंठ तालव्य में जाएंगे और ओ और जाएंगे कंठोष्ठय। नेक्स्ट आता है आपका ओष्ठ, ओष्ठ मतलब ओंठ, ओंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, ऊ बोले जाते हैं, छोटा ऊ जो कि ह्रस्व स्वर में आएगा और बड़ा ऊ आएगा आपका दीर्घ स्वर में, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, तो ये सब चीज आपको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में आपको कब कैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो कुछ नहीं पता होगा, ठीक ना। अब देखो अब कुछ पुनर्विलोकन कर लेते हैं हिंदी वर्णमाला की। देखो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के हो, अवरोध मतलब बिना किसी रुकावट के हो, तथा बिना किसी दूसरे वर्ण, मतलब अगर हम लोग जैसे क बोल रहे हैं तो क बोलने के लिए आपको पता है कि क के साथ साथ अ बोलना होगा, तब ये जाके पूरा क बनेगा, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोल सकते हैं, जैसे सीधा सीधा अ, ई, ये सारे वर्ण जो है स्पेशली स्वर, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। मतलब जो वर्णों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की जरूरत ना पड़े उनको कहेंगे स्वर, ठीक है।
अच्छा, जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगेगा उनको कहेंगे ह्रस्व स्वर, और जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय, जस्ट डबल समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। तो दो स्वर बना आपका, जो कम समय में बोला जाएगा वो ह्रस्व स्वर, जो ज्यादा समय बोला जाएगा वो दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर अभी मैंने बताया, क्या क्या बताया आपको? अ छोटा ई छोटा उ री, जो कि मूल स्वर भी कहलाते हैं, यही चारों क्या है आपके? मूल स्वर भी है, अ छोटा ई छोटा उ री। अब दीर्घ स्वर में बाकी सारे आ जाएंगे, आ बड़ा ई बड़ा उ ए ऐ ओ औ, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके दीर्घ स्वर में। ठीक है, अच्छा आगत स्वर क्या है? देखो अब स्वरों को भी ना कई और भागों में बांटा गया है, तो उसको भी समझना जरूरी है। तो आगत स्वर क्या होता है? जो आप है, जैसे कि आप जैसे बोलते हो ना, अक्सर हम लोग बोलते हैं जैसे हॉल बोलते हैं, तो ह यहाँ पे एक चंद्र लगा होता है, उसी तरीके से ओ, ये जो ह हलंत के साथ फिर ओ, यही तो आपने लिखा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ह बनेगा, तो ये जो ओ है इसको कहते हैं आगत स्वर। ठीक, अच्छा अग्र स्वर है क्या है? छोटी ई और बड़ी ई ए और ए, इन चारों को कहते हैं अग्र स्वर। ठीक, और बीच का स्वर मतलब मध्य स्वर कहते हैं अ को, पश्चिम स्वर मतलब पीछे का स्वर, पीछे का स्वर बाकी सब हो जाएंगे आ छोटा उ बड़ा उ ओ औ और ओ। ठीक, अब देखो ओ आपका आगत स्वर भी है और ओ पश्चिम स्वर भी है, उसी तरीके से देखो तो बहुत सारी चीजें हैं, छोटी ई छोटा बड़ी ई जो है वो आपका क्या है? देखो छोटी ई ह्रस्व स्वर है, बड़ी ई दीर्घ स्वर है, ए ऐ भी दीर्घ स्वर है, तो सब मिला जुला के कई सारी चीजें बन रही है, तो इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से याद रखना होगा। संवृत्त स्वर में देखो तो बड़ी ई और बड़ा उ ये संवृत्त स्वर कहलाते हैं, अर्ध संवृत्त मतलब इन्हीं को छोटा कर दो, बड़ी ई की जगह छोटा ई और बड़ा उ की जगह छोटा उ, तो अर्ध संवृत्त स्वर आपके कहलाएंगे छोटी ई और छोटा उ। विवृत क्या है? विवृत स्वर आपके कहलाएंगे आ ए और ओ, ए और ए में फर्क रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ए ये अलग है, ठीक, और ए अलग है, तो इसको ध्यान रखिएगा, तो आ ए और ओ ये हो जाएंगे आपके विवृत स्वर। अर्ध विवृत में इनका छोटा ले लीजिए, तो आ के से बन जाएगा अ, मतलब छोटे में ऐसे याद रखना हो तो ए से बन जाएगा ए, ओ से बना लो ओ, और ओ तो है ही। ठीक है, तो अर्ध विवृत में आपके ये भी आ जाए। तो यहां तक थी दोस्तों बातें स्वरों की, तो यहाँ पे आपका स्वर यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद व्यंजन की अगर बात करें, अभी मैं व्यंजन और अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी इसी के आगे हम लोग चलेंगे। व्यंजन में दोस्तों अभी मैंने बताया कि टोटल कितने होते हैं? 41 होते हैं, जिसको हम लोगों ने अलग अलग भी देखा कि स्पर्श व्यंजन 27 थे, अंतस्थ 4 थे, उसमें व्यंजन 4 थे, और भी 4 थे। कौन कौन से थे इसमें? और 4 आएंगे आपके संयुक्त स्वर, जो संयुक्त स्वर में आपका था ना छत्र ज्ञ और स्र, और उसके बाद 2 आगत स्वर, सॉरी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और आगत व्यंजन। तो ये जो आपके 6 और थे ये भी आएंगे, आगत में आपका ज और प आएगा, तो ये सारे मिला के आपको जाते हैं 41 और टोटल वर्णों की संख्या 52। ठीक है, अब आओ दोस्तों हम वर्णों व्यंजनों का कर लेते हैं आपका वर्गीकरण और उनका उच्चारण स्थान देखते हैं। तो इसमें आपके पहले आएगा कंठ। कंठ क्या मतलब क्या हुआ? जो कि गले से बोला जाए, कंठ से ना। अब देखो व्यंजनों को कैसे बांटा गया 5 भागों में, अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, और फिर सघोष अल्प प्राण नासिक के। ठीक है, तो इस तरीके से 5 भागों में इनको बांटा गया। तो कंठ में कौन कौन सा आएगा? कंठ में पूरा क वर्ग आएगा। ठीक है, क वर्ग, क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग। ठीक है, अब आ जाओ तालव्य में, तो दूसरा आता है आपका तालव्य। तालव्य में आपका आता है पूरा च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन सा है आपका? च छ ज, ज में देखो आगत भी आ रहा है, ठीक ना, ज इसकी भी बात करेंगे, झ और इ। फिर मूर्धन्य तीसरा आता है, इसमें ट वर्ग, तो याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका ट वर्ग। ट वर्ग में आपके वही मिलेंगे ट ठ ड ढ अण। अब ढ में देखिए आपका ढ 2 होते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आपका दंत आएगा। दंत मतलब ऊपरी दांतों के निकट से, तो ऊपर की जो दांत है उनके लिए अगर देखा जाए तो इसमें त वर्ग आएगा। त वर्ग मतलब त थ द ध न, तो त वर्ग जो आएगा दोस्तों इसमें ये 5 होंगे। तो इसको याद करने का तरीका देखिए, अगर आप लाइन से याद करते हो तो कितना अच्छा है। कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत और फिर ओष्ठ। ओष्ठ में आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों ओठ से जो बोले जाए, जैसे कि पूरा प वर्ग। प वर्ग में देखो तो प फ ब ध म, इसमें आपके दोनों ओठों का प्रयोग होगा। आप खुद बोल के उच्चारण करके देखिए। ठीक है, अब प में, अब फ में देखो आप, प में आपका एक फ होता है एक फ होता है, जो फ के नीचे आपका नुक्ता लगा है ये आगत व्यंजन है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके ओष्ठ में आगत व्यंजन भी आ रहा है। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग यहां तो आपका क्या हो गया, पूरा क से, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक हो गया। ठीक है, 25। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं,
देखो नेक्स्ट फिर से तालव्य में आते हैं। तालव्य में देखो आपका जो आपका अघोष महाप्राण है उसमें बड़ा स और सघोष अल्प प्राण में य आएगा। अब यहां से थोड़ा सा टफ होगा तो यहां से आपको अच्छे से याद रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वत्स्य में। वत्स्य क्या होता है, इसमें दांत और मसूड़ा ये दोनों एक साथ इसका प्रयोग होता है बोलने में। तो अघोष महाप्राण में छोटा स और सघोष अल्प प्राण में आपका र और ल ये दो आएंगे। ठीक, फिर दंत्योष्ठ देखा जाए तो दंत्योष्ठ में क्या होगा कि ऊपर का दांत और नीचे का ओंठ ये दो मिला के, दंत और ओंठ दोनों मिला के, लेकिन कैसा, ऊपर का दांत और नीचे का ओंठ, तो इसमें केवल एक होता है, वो होता है सघोष अल्प प्राण, कौन सा, व। ठीक, तो व आपका होगा। नेक्स्ट मूर्धन्य पे फिर से आते हैं। अब मूर्धन्य आपने अभी क्या पढ़ा था, ट वर्ग, लेकिन मूर्धन्य में एक और होगा क्या, षटकोण श, और षटकोण श किस में आएगा आपका, अघोष महाप्राण में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका स्वर यंत्रीय। स्वर यंत्री में आपका स्वर यंत्र होता है मतलब कि कंठ के अंदर से बोला जाता है ये। ठीक है, इसमें केवल एक होता है जो कि होता है सघोष महाप्राण में। सघोष महाप्राण में आपका ह आता है, ह जो होता है वो एकदम अंदर से गले से निकल के आएगा, तो उसको आप रखोगे स्वर यंत्र। और लास्ट मैंने आपको बताया था उच्छिप्त। उच्छिप्त जो होता है वो क्या होता है कि इनके उच्चारण में ना जीभ जो है वो ऊपर उठ के और झटके से नीचे आती है, जैसे ड ध। ठीक है, तो ये आपका होता है उच्छिप्त व्यंजन। और ये किस में आता है, तो सघोष अल्प प्राण में आपका ढ आएगा और सघोष महाप्राण में ढ आएगा। अब इसके बाद देखिए आपके बहुत सारी चीजें हैं, आगत और गृहित ध्वनिया में आपका क स्पर्शी, अब नुक्ता के साथ ले लो जो कि उष्म और संघर्षी में जाता है, ख ग ज फ ये सब आगत में आ जाते हैं। और आयोग वाह में आपके अनुस्वार और विसर्ग चलते हैं। ठीक है, ये दो एकदम अलग है, अनुस्वार और विसर्ग आपका अलग है। अक्सर लोग यही कंफ्यूज होते हैं कि स्वर जो होता है वो 13 होता है, नहीं स्वर 11 होते हैं। ठीक है, आपके पूरा अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं सॉरी ए ऐ ओ औ अ तक होता है केवल 11। अंग और अह आपके अलग होते हैं, वो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं जिनको आयोग वाह में गिना जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ और बातें समझ लेते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आगत व्यंजन कितने होते हैं, दो होते हैं, कौन कौन सा, ज और फ, ये दो आपके आगत व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन मैंने बताया 4 होते हैं। अभी ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी ना, तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आएगा, 4। अब 4 में कौन कौन सा होगा, छ त्र ज्ञ और स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन में। क्यों इनको संयुक्त बोलते हैं आपको पता है ना, मैंने बता दिया है आपको, मैंने पहले ही बता दिया है कि इनको संयुक्त इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे त्र देखो, त्र देखो तो त्र में त और र ये दो मिलेगा तो ये आपको मिलकर बनेगा त्र। ठीक है, इसी तरीके से आपका होता है। अच्छा, क वर्ग की ध्वनिया का मैंने बता दिया, क वर्ग में कौन कौन होगा, क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ञ, ट वर्ग में ट ठ ण ण और दो ये और जोड़ लीजिए आप ड और ढ, त वर्ग में त थ ध न, प वर्ग में प फ ब म। अंत स्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य र ल व, सब मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अर्ध स्वर य और व, अब कुछ एक्स्ट्रा वर्ण है, इतना तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब कुछ और एक्स्ट्रा इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई वर्गीकरण। अर्ध स्वर में य व, लुंठित व्यंजन आपका होता है र, इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन आपका ल है। उष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये भी मैंने अभी बता दिया, तीनों स ले लो, छोटा स बड़ा स और षटकोण स और ह, ये 4 आपके उष्म व्यंजन में आएंगे। ठीक, और उच्छिप्त में अभी मैंने ये तीसरी बार में बता रहा हूँ, ड और ढ, तो ये सारी चीजें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप ये सब पढ़ डालो। अब देखो अघोष और सघोष याद करना था, वो थोड़ा सा टफ हो रहा था, तो उसको याद करने का यहाँ पे देखो एक छोटी सी ट्रिक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप याद कर सकते हो। अघोष व्यंजन कैसे याद करोगे, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, तो कौन कौन से वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग, तो क वर्ग में क और ख हो जाएगा, पहला दूसरा लेना है ना, च वर्ग में च और छ ले लो, ट वर्ग में ट और ठ, फिर त वर्ग में त थ, फिर सॉरी त थ यहाँ लिख देते हैं, और प फ, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया अघोष। साथ ही साथ 4 और जोड़ लो, कौन सा, फ श श और स। ठीक, ये हो गए आपके क्या, अघोष व्यंजन। सघोष में कैसे लेंगे, तो पहला दूसरा आपने अघोष में ले लिया, तो तीसरा चौथा पांचवा ले लो सघोष में। क ख के बाद क्या बचेगा, ग घ अंग, च में आओ तो च छ खत्म, तो ज झ इ, फिर ट वर्ग में ट ठ खत्म, तो ड ढ अण, फिर और क्या था, त थ तो द ध न, प प हटा दो तो प फ ब भ म, मतलब तीन तीन लेते जाओ,
तीसरा चौथा पांचवा ये जो होंगे वो सघोष में जाएंगे। उसके साथ साथ आपका ड ढ ज य र ल व ह ये सब क्या होंगे आपके सघोष व्यंजन में जाएंगे। और जितने भी स्वर होते हैं उनको भी सघोष में रखा जाता है। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन होता है तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा कैसे चलेंगे हम लोग ऑड चलेंगे ठीक है। विषम संख्या पहला तीसरा पांचवा पहला तीसरा पांचवा चलो फटाफट देखो कौन कौन सा क ग और अंग ये क वर्ग हो गया च वर्ग में आते हैं तो च ज य। उसके बाद तीसरे वर्ग में घुसते हैं तो ट वर्ग तो ट ठ ड ढ ळ ये तीन पहला तीसरा पांचवा लेना है। फिर त वर्ग में आओ तो त थ द ध न ये तीन हो जाएंगे। प वर्ग में आओ तो प फ ब भ और म मतलब कि पहला तीसरा पांचवा अगर आप लोगे तो ये जो तीन आते हैं आपके वो आते हैं अल्प प्राण में। तो याद करने ये ट्रिक है आप ऐसे याद करो ज्यादा अच्छा है ठीक है। और साथ साथ अंतस्थ वर्ण जितने भी होंगे वो सब भी आएंगे आपके अल्प प्राण में। ऐसे ही महाप्राण में क्या होगा कि प्रत्येक वर्ग का आप तीन ले लिया ना पहला तीसरा पांचवा तो बचा क्या दूसरा और चौथा बचा तो दूसरा और चौथा इसमें क्या क्या बचा क वर्ग में आपका ख और घ इसमें क्या बचा च छ ज झ ये दो बचा। और ट वर्ग में आ जाओ तो ट ठ ड हो जाएगा ढ ये बचा। उसके बाद इसमें आ तो थ द ध ये बचा। और प वर्ग में फ ब भ ये तो ये क वर्ग च ट त और प वर्ग इन वर्गों में ये आपका दो दो आ जाएंगे महाप्राण में। और साथ साथ जो चार होते हैं आपके उसमें वर्ण जो मैंने बता दिए वो भी आएंगे आपके महाप्राण में। नासिक के व्यंजन में कौन कौन आता है इनको याद कर लो बहुत आसान है इसका सबका जितने भी वर्ग है ना सबका लास्ट लो अंग इय कख ग अंग चछ ज इय ले लो टचड़ ड ले लो तथ द न ले लो पफ ब म ले लो मतलब जो पांच स्टार्टिंग से वर्ग हैं सबका लास्ट वाला आपका नासिक व्यंजन। कंठ व्यंजन क्या होगा जो आपका क वर्ग होगा उसको कंठ व्यंजन कहते हैं ये मैंने बता दिया अभी कख ग अंग। तालव व्यंजन भी बताया मैंने किसको कहते हैं चछ ज इय और साथ ही साथ सॉरी चछ ज इय यहां तक और स और य ये भी आपके तालव्य में आएंगे अभी सब मैंने आपको कराया है अलग से पहले। मूर्धन्य में ट वर्ग ले लो टठ ड ड और ढ और श षटकोण श ये आपके मूर्धन्य में आएंगे। दंत व्यंजन में आपका त वर्ग आएगा तथ द ध न। ओष्ठ व्यंजन में आपका आएगा कौन सा प वर्ग प फ ब म। दंत्योष्ठ में आपका दंत और ओंठ ऊपर का दांत और नीचे का ओंठ क्या होगा व। स्वरयंत्री जो कि अंदर से गले से होके आता है वो ह। ये सारी चीज अभी मैंने बताया ये डिवीजन हो रहा है। लास्ट में कुछ चीजें और देख लेते हैं फटाफट से तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं 52 होते हैं 52। छ किससे बनता है क और श से अच्छा मैंने छ बता दिया था नहीं ये श से बनता है क और श से बनता है आपका छ ठीक है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है तो ट। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे गए हैं इस वजह से इनको रखा गया है। देखो नेक्स्ट है कि क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है तो अभी मैंने बताया कंठ है ये वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उनको क्या कहेंगे वर्ण को कहेंगे। वर्ण का और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। कंठ कौन कौन सी है क और ख ए और ए क्या कहलाते हैं कंठ तालव्य कंठ और तालु दोनों से होते हैं। आयोग व आवर्ण कौन कौन से होते हैं तो अभी मैंने बताया आयोग में कौन कौन होता है अनुस्वार और विसर्ग कौन कौन सा अन और अह इनको स्वरों में नहीं जोड़ते ये दो अलग होते हैं 11+2 करो ठीक है। अघोष वर्ण कौन सा है स जो कि महाप्राण में एक्चुअली ये कैसे दिया है अब आप कहोगे कि अघोष और भी होते हैं तो केवल स तो जो क्वेश्चन था उसमें जो ऑप्शंस थे उन चार ऑप्शन में जो सही आंसर है वो दिया हुआ है तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए मैं फटाफट से इनको बता दे रहा हूँ। हिंदी में जो बड़ा स है इसकी ध्वनि क्या होती है तालव्य और तालव्य किस में आता है अघोष महाप्राण में। यर लव कैसे है अंतस्थ है ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे तो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा सारी चीजें आपने अच्छे से पढ़ ली होगी और सब कुछ याद कर लो क्योंकि सब कंफ्यूजिंग होता है ठीक है। तो याद कर लीजिए अच्छे से और कुछ भी डाउट हो तो पूछिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए जल्दी से उस काले से नीले बटन को नीला कर दीजिए ठीक है। और फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों जल्दी मिलते हैं नए लेसन के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।